नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड जॉब्स में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना। दोस्तों आज बात कर रहे हैं आईटीबीपी ट्रेड मैन की, जिसका एग्ज़ाम 7 तारीख को बताया जा रहा था कि 7 तारीख को होगा। और मैंने भी इसके संदर्भ में वीडियो बनाई थी कि एग्ज़ाम आपका 7 तारीख को होगा, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो आईटीबीपी में हैं, उन्होंने भी सेम यही बोला था कि अब एग्ज़ाम है वो 7 तारीख को होगा। तो दोस्तों अभी तक उसके एडमिट कार्ड नहीं आ पाए हैं, और इसी बीच एक और नोटिफिकेशन फैल रहा है कि जो आईटीबीपी का एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह के नोटिस की जांच पड़ताल के लिए हमने आईटीबीपी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर चेक किया कि इस तरह कोई नोटिफिकेशन भी चल रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं, ओरिजिनल वेबसाइट है, इसमें अभी तक तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ कि आपका एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। आप देख सकते हैं सिर्फ 3 ही नोटिस रनिंग है, एक ड्राइवर का है, एक स्पोर्ट्स कोटा में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हुए हैं, और एक जो फोर्स एलोकेशन हुई है। दोस्तों मैं आप ले चलता हूँ आपको, जो वो नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में आया हुआ, जो हरिभूमि का नाम का जो न्यूज़पेपर है, मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ एक बार। दोस्तों देख सकते हैं 27 फरवरी 2021 शनिवार का आपका ये एग्ज़ाम है, मतलब सॉरी न्यूज़पेपर है, हरिभूमि है, पेज नंबर आपका 6 की बात कर रहे हैं हम। 6 पे दोस्तों आप ये नोटिफिकेशन एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ना, मैं जूम इन करता हूँ। ये वाला ये आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लें ध्यान से कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी रोजगार समाचार पत्र में दिनांक 29/7/2017 से 4/8/2017 अंक में प्रकाशित आईटीबीपी में सिपाही ट्रेडमैन की भर्ती हेतु विज्ञापन के, मतलब सीबीटी के मॉक टेस्ट हेतु उम्मीदवार को स्टीक मॉक लिंक आईटीबीपी की भर्ती वेबसाइट रिक्रूटमेंट आईटीबीपी.लिंक पर अपलोड किया जाएगा। पत्रता उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पंजीकृत आईडी से भर्ती वेबसाइट का नियमित अवलोकन करें। किसी प्रकार की सहायता के लिए आईटीबीपी की वेबसाइट पर आप कॉल कर सकते हैं। इसमें दोस्तों बताया गया कि जो आपका आईटीबीपी का जो एग्ज़ाम है वो आपका ऑनलाइन होगा। मतलब अब मैं दोस्तों आपको जो हरिभूमि ऑफिशियल वेबसाइट पर है वहाँ पर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों इस बात का पता लगाने के लिए हम हरिभूमि की जो न्यूज़पेपर की वेबसाइट है वहाँ पे चलते हैं। आप देख सकते हैं मैंने सर्च किए हुए हैं हरिभूमि रायपुर ई पेपर छत्तीसगढ़ 27 फरवरी 2021 का, ये आपका पेज नंबर 2 है, वो पेज नंबर 8 था जिसमें नोटिफिकेशन दिया था। तो हम चलते हैं पेज नंबर 8 पर। ये 5, 6, ये 7 और ये 8, दोस्तों ये आ गया वो, आप देख सकते हैं पेज नंबर 8 जो हरियाणा जो सॉरी जिस रायपुर का जो आपको दिखाया हुआ था। अब चलते हैं इसमें नोटिफिकेशंस में जो दिए हुए थे, तो दोस्तों ये रहा वो सेम नोटिफिकेशन, इसमें ये है वो आपका नोटिफिकेशन आईटीबीपी वाला रोजगार संदर्भ में दिनांक 29 तारीख। तो मतलब दोस्तों न्यूज़पेपर के हिसाब से तो इन्होंने दिया कि आपका पेपर ऑनलाइन होगा। तो दोस्तों लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं आई है, तो जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट नहीं आती तो हम नहीं मान सकते कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। वैसे भी दोस्तों पहले की बात करें तो इस तरह ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं है कि आपका एग्ज़ाम पहले ऑफलाइन मेंशन किया हो तो लेकिन फिर ऑनलाइन हो जाए। तो लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है, तो आप रेगुलरली साइट को अपडेट करते रहिए और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम टाइम पर आपको उचित जानकारी दे सकें। वैसे एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गया ऑफलाइन, जो बच्चे पढ़ने वाले उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है एग्ज़ाम किसी तरह भी हो, लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम हो जाए। वैसे ही भर्ती को लटके 4 साल हो गए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि भर्ती जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। अगर इस तरह का एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है तो आपका एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आने में थोड़ा टाइम और लग सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।